तो राजगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजगढ़ जिले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पूर्व कुख्यात अपराधी एवं डकैत हरी सिंह का खास गुर्गा आया पुलिस की गिरफ्त में। तो ये बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अवैध हथियार रखे दबोचा, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था आरोपी। तो ये बड़ी खबर, 15 देसी कट्टे सहित 8 जिंदा कारतूस के साथ बरामद किया है। तो राजगढ़ जिले में अवैध हथियारों की धरपकड़, अवैध शराब मुबापिया एवं रेत उत्खनन सहित चिट फंड कंपनियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिला पुलिस कप्तान के कड़े निर्देश समस्त थाना प्रभारियों को दिए गए थे। उक्त निर्देशों के पालन में थाना प्रभारी भोजपुर बीरेन सिंह ठाकर द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसआर दंदोटिया एवं उनकी टीम एवं मुखबिर सक्रिय हो गए। मुखबिर की सूचना के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसके तहत पूर्व कुख्यात अपराधी एवं डकैत हरी सिंह का एक खास गुर्गा पुलिस की गिरफ्त में आ गया। इससे पूछताछ में पता चला है इसके जो चार पुराने अपराध हैं, जिसमें से एक NDPS का भी है जो यहाँ का है, दूसरा NDPS का ग्वालियर का है जहाँ ये केंद्रीय जेल ग्वालियर में बंद रहा है, एक ट्रैक्टर चोरी का है, एक इन्होंने बुलेरो चोरी की थी हरी सिंह के साथ मिलकर, जिससे इन्होंने चैन सिंह तंवर की हत्या करने में उसी बुलेरो को प्रयोग किया गया था। एक और भी इन पर 25-27 आमराइट के पुराने भी मामले दर्ज हैं। जब इसके संबंध में जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि ये हरी सिंह के मरने के बाद से अकेले इस तरह की गतिविधियों में शामिल था। ग्वालियर, भिंड और मुरैना की तरफ से संभवतः ये इस तरह के पिस्टल्स को लेके आते थे और इन्हीं पिस्टल्स और कारतूस का अपनी घटनाओं में उपयोग करते थे। यहाँ ये कहना अभी पॉसिबल नहीं है कि इन्होंने इस तरह की कोई घटना की है, क्योंकि इसके झालावाड़ क्षेत्र में भी ऑपरेट करते थे। तो अभी झालावाड़ SP से भी बात करके उनके इलाके की भी अगर कोई घटनाएं होंगी तो उसके संबंध में भी पूछताछ की जाएगी। अभी इससे टोटल 15 जो पिस्टल हैं कट्टे हैं 315 बोर के वो, और 8 जिंदा राउंड 315 बोर के बरामद किए गए हैं। इस पूरी कार्रवाई में